हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स, लैगजीम एंड टोकन्स। दोस्तों, पैटर्न्स इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर स्ट्रिंग मैचिंग। पैटर्न्स क्या हैं? रूल्स हैं। एंड लैगजीम, द लॉन्गेस्ट कैरेक्टर मैच्ड बाय पैटर्न इज कॉल्ड लैगजीम। एंड टोकन, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम्स आपका कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर, न्यूमेरिक नंबर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। सो देखिए, पैटर्न क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स डिस्क्राइब्ड बाय ए रूल्स कॉल्ड पैटर्न्स, और इट इज ए रूल्स कॉल्ड पैटर्न्स एसोसिएटेड विद द टोकन्स। सो पैटर्न क्या है? वो सारे रूल्स हैं जिससे आप किसी स्ट्रिंग को मैच करेंगे, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? पैटर्न्स। एंड लैगजीम, लैगजीम इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इन ए सोर्स प्रोग्राम दैट इज लॉन्गेस्ट मैच्ड बाय ए पैटर्न। जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर, जो लॉन्गेस्ट मैच हो रहे हैं पैटर्न से, इट इज कॉल्ड लैगजीम एंड इट रिटर्न टोकन। एंड टोकन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। इस एग्जांपल, मैंने इस टेबल के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, टोकन, लैगजीम एंड पैटर्न। पैटर्न मैंने कहा था क्या है? रूल्स हैं। तो आपको कांस्टेंट को रिकॉग्नाइज करना है। कांस्टेंट के लिए क्या रूल होगा? कांस्टेंट के लिए क्या रूल बनाया गया है? CONST, कांस्टेंट, और इट इज ए कीवर्ड। तो कांस्टेंट किस तरह से मैच होगा? इसके लिए लैगजीम, लॉन्गेस्ट वैलिड लैगजीम क्या होगी? कांस्टेंट, CONST, कॉन्स्ट। एंड टोकन इसके लिए क्या होगा? टोकन ये है और इट इज ए कीवर्ड। ये क्या है? कीवर्ड है। सिमिलरली, इफ के लिए क्या रूल होगा? IF। अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मैक्सिमम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से मैच हो जाएंगे तो वो क्या होगा? लैगजीम होगा। और ये लैगजीम, ये क्या है? इफ इट इज ऑल्सो कीवर्ड। सिमिलरली, रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए क्या रूल्स होंगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए रूल्स, रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो सकते हैं? लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू। नाउ नेक्स्ट टोकन इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के लिए देखिए क्या रूल्स क्या हैं। आइडेंटिफायर के लिए जो पैटर्न है वो रूल्स क्या है? लेटर फॉलोड बाय लेटर एंड डिजिट। यानी कि जब भी आपको एक आइडेंटिफायर को मैच डिक्लेयर करेंगे तो आइडेंटिफायर को कैसे पहचानेंगे? कि फर्स्ट वुड बी लेटर एंड लेटर फॉलोड बाय लेटर और डिजिट। सो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? फर्स्ट शुड बी लेटर, L इंडिकेट फॉर लेटर, एंड लेटर फॉलोड बाय लेटर प्लस डिजिट का होल स्टार। सो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है कि पहला क्या होगा? लेटर एंड लेटर फॉलोड बाय लेटर और डिजिट का होल स्टार, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इस रूल से जो लॉन्गेस्ट मैच करेगा वो क्या होगा? लैगजीम होगा। सो इस रूम से लॉन्गेस्ट मैच, लाइक पाई अगर मैच कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो वैलिड आइडेंटिफायर। काउंट, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। एंड डी टू इट इज़ ऑल्सो, पहला क्या होना चाहिए था? फर्स्ट शुड बी कैरेक्टर, सो कैरेक्टर है, सो इट इज़ ए आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर। माई डियर, अगर मैं लिखता 2D, सो 2D इट इज़ नॉट वैलिड आइडेंटिफायर। ये किसी भी उससे मैच नहीं हो रहा है टोकन से। ये लैगजीम, जो लॉन्गेस्ट लैगजीम, क्योंकि इस पैटर्न से मैच होने के लिए पहला क्या होना चाहिए था? फर्स्ट शुड बी लेटर, सो इट इज नॉट टोकन। सो आइडेंटिफायर क्या हो सकते हैं? वो सारे आइडेंटिफायर जो इस रूल से मैच, जो लैगजीम, जो लॉन्गेस्ट लैगजीम जो इस रूल से मैच कर रही है, वो सारे के सारे क्या हैं? आइडेंटिफायर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नंबर। नंबर के लिए क्या रूल्स है? एनी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। पैटर्न क्या है? एनी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट इज ए नंबर। सो यहाँ देखिएगा, एनी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट लाइक 2.6123, डेसिमल नंबर या फिर इंटीजर नंबर, एनी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, ये क्या है? सारे नंबर्स। नेक्स्ट देखिए लिटरल। लिटरल के लिए क्या रूल है? एनी कैरेक्टर बिटवीन डबल कोट्स, इट इज ए लिटरल। सो लाइक हैलो इंडिया, मैंने लिखा डबल कोट्स के बीच में हैलो इंडिया, सो इट इज़ ए सिंगल लिटरल। ये क्या है? एक ही लिटरल है, ये डबल नहीं है, ये पूरा कंप्लीट सिंगल एक लिटरल है। सो एनीथिंग बिटवीन डबल कोट्स, इट इज़ ए लिटरल। ये बेटा रूल्स हैं, ये सारे रूल्स हैं, ये लॉन्गेस्ट लैगजीम जो मैच हो रहा है, और ये क्या है? लिटरल।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।